नमस्कार। रीवा से एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी से मनगमा विधायक रहे पंचुलाल प्रजापति का टिकट काट दिया गया, जिससे वह नाराज है। भगवती सुर में कहा कि पार्टी ने उनका टिकट क्यों काटा ये बताएं। उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं दुखी हूँ, अपना दुख प्रकट करना चाहता हूँ। बात करते हैं सर्वे रिपोर्ट की, तो आज तक जितने सर्वे हुए हैं उन्हें उठाकर देख लो रिपोर्ट क्या कहती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिन्हें टिकट दी गई है उनसे पैसे लिया गया है, इसके लिए उन्होंने अपनी जमीन बेची है। पंचुलाल प्रजापति ने कहा कि टिकट कटने के बाद पार्टी ने कोई हालचाल नहीं जाना। आज पत्नी पन्ना भाई के नाम से भाजपा से पर्चा दाखिल करने के लिए फॉर्म लिया है। अगर पार्टी विचार नहीं करती तो फिर प्लान और दुख प्रकट करना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी क्यों निकल गई और इस कारण से आप सब लोगों को अपने यहाँ आमंत्रित किया हो कि हमको ये बता दिया जाए, कम से कम हमारे आत्मा में ये ढांस बन जाए, इस कारण से पंचुलाल जी आपका टिकट काटा गया। कहा यह जाता था कि सर्वे रिपोर्ट आप लोग स्वतः मंगवा लें, एक एक सर्वे मंगवा लें। जहाँ अभी केंद्र के सर्वे आए थे, विधायक जी आए थे, वो त्रिपाठी वाजपेयी जी, उनकी रिपोर्ट आप देख लें। जो हमारे संगठन के विस्तारक के लोग आए थे उनकी भी मंगवा लें। और यहाँ हमारे साथ इस तरह, और एक गरीब आदमी में मजदूरी करने वाला व्यक्ति मेरे साथ इस तरह से किया, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी इस दुकान को आप लोग आगे बढ़ाए। और आज तक पार्टी के शीर्ष नेता इतना तक नहीं पूछे कि पंचुलाल जी आप क्या है हो गया, इस तरह से है हो गया, भाई आज तक नहीं पूछे। तो मैं पत्रकार के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कब का पार्टी का सदस्य है, और चार दल बीत करके एक भगोड़े व्यक्ति को आपने टिकट दिया, कैसे दे दिए गए, और ये उनकी जमीन भी बेची गई, जो टिकट पाए हैं उनकी जमीन बेच करके और पैसे देके लेन देन करके ये टिकट दिया गया। यही आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि मैं पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, हम विरोध करने के लिए नहीं आए, मैं अपनी विपत्ति को बताने के लिए आए हैं कि पार्टी क्या करेगी। अभी मैं तो भारतीय ही जनता पार्टी में हूँ। अभी जो हमने फार्म लेने के लिए गए थे, हम एक फार्म मानने हमारी श्रीमती पन्ना बाई के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से मैं पर्चा भरूंगा, और दूसरा पर्चा मैं एक निर्दलीय के नाम से, अगर मुझे न्याय न मिला तो मैं एक निर्दलीय के रूप में मैं मनगमा विधानसभा क्षेत्र से उतरूंगा और अपनी दुख विपत्ति को बताऊंगा जनता के सामने, जनता मेरा क्या आपत्ति है, कौन से ऐसा हमने काम किया है जिसके कारण से मेरा टिकट काटा गया, और मैं जनता के पास न्याय लेने के लिए जाऊंगा कि मुझे जनता जो भी सजा देना चाहे तो दे सकते। हाँ बिल्कुल उतरेंगे, अगर पार्टी इस पर विचार नहीं करती, हमारे शीर्ष नेता इस पर हमको संतोषिक जवाब नहीं देते, तो मैं जरूर ये उतरूंगा, क्योंकि प्रत्याशी जब तक सैंबल नहीं आ जाता तब तक प्रत्याशी घोषित नहीं होते। बहुत सारे अभी आपने कांग्रेस में देखा होगा कि प्रत्याशी अखबार में देने के बाद कई लोगों का ये संशोधन कर रहे हैं। ऐसी भी पार्टी अगर शीर्ष नेता चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है जब तक कि सिंबल न आ जाए। एक दिन पहले आपने जेडी कराने बैठे थे जब टिकट की घोषणा होने से जी पहले, उस दिन सारे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।